नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज कैनेडियन स्मोकिंग स्टिच में मैं आप लोगों को जो पैटर्न सिखाने वाली हूँ वो है लीफ पैटर्न। लीफ पैटर्न हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसका जो पैटर्न बनता है उसका लुक थोड़ा थोड़ा लीफ जैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये जो ग्रिड बनाई हुई है ये 1 इंच बाय 1 इंच के स्क्वायर में बनाई है। सबसे पहली लाइन में, पहले स्क्वायर में मैंने इस डायरेक्शन में मार्क किया हुआ है और इस पूरी लाइन में एक स्क्वायर छोड़ के एक स्क्वायर में इसी डायरेक्शन में मार्क किया है। सेकेंड लाइन में इसके साथ वाला स्क्वायर छोड़ के नीचे वाले स्क्वायर में इसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्क किया है और इस पूरी लाइन में उसी तरह एक स्क्वायर छोड़ के एक स्क्वायर में इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये सेम डायरेक्शन में मार्क कर लेंगे। फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, उसके बाद थर्ड लाइन में इससे अपोजिट, मतलब ये इधर गया है तो इसमें इस साइड मार्क करेंगे और उसी तरह पूरी लाइन में मार्क कर लेंगे, एक स्क्वायर बीच बीच में छोड़ते जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में इसके सामने वाला छोड़ के नीचे वाले में इसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्क कर लेंगे। इसी तरह फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट 2 लाइन रिपीट करेंगे, फिर एक स्क्वायर छोड़ेंगे, फिर ये नेक्स्ट वाली 2 लाइन रिपीट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हम ये सेकंड वाली लाइन की तरह रिपीट करेंगे। इसी तरह आपको ये जितने भी बड़े कपड़े पे बनाना है ये लाइंस रिपीट करते जाएं। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये लाइन हम जिस डायरेक्शन में बना रहे हैं, मतलब हमको स्टिच का डायरेक्शन वही रखना है। ये लाइन हम इसीलिए मार्क करते हैं जिससे हमें पता रहे कि ये स्टिच किस डायरेक्शन में बनानी है। इस तरह इसमें से निकालेंगे और फिर इसमें हम फंदा लगाते जाएंगे। इन प्लीट्स को 2-3 बार टक कर लेंगे जिससे ये मजबूत हो जाए और इनमें फंदा भी लगाते जाएंगे। अब आप ये थ्रेड यहाँ कट भी कर सकते हैं और इसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं हर बार बताती हूँ कि ये थ्रेड टाइट नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे कपड़े में जितना डिस्टेंस है ये थ्रेड उससे थोड़ा लूज ही बचना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। ये देखिए काफ़ी लूज है ये थ्रेड। फिर यहाँ पे फंदा लगा देंगे। फिर नेक्स्ट स्क्वायर, अब यहां भी आप वही चीज ध्यान रखें कि ये टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए काफी लूज हमने छोड़ा हुआ है। ये मार्किंग आप हमेशा ऐसी पेंसिल या चॉक से करें जो वॉशेबल हो, मार्क परमानेंट नहीं रहने चाहिए।
अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे और इसी तरह इसको पूरे में बना लेंगे। यहाँ आने में भी आप यही ध्यान रखें कि ये थ्रेड टाइट ना हो। देखिए दोस्तों, अभी हमने केवल इसकी दो लाइन बनाई हैं, उसी में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये पीछे से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और आगे से तो ये खूबसूरत है ही। इसका ये जो शेप बनता है ये लीफ की तरह बनता है, इसलिए इसको लीफ पैटर्न बोलते हैं। बताइए दोस्तों कि आपको ये पैटर्न लीफ जैसा लगा या नहीं लगा, और इसे आपने कहाँ और कैसे यूज किया ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और कैनेडियन स्मोकिंग स्टिच के साथ ही। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।